अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद नून में आप सभी का खैर मकदम है। अगर सही मायनों में कहा जाए तो संविधान की हकीकत को ही हम समझ नहीं पाए। यकीनन कुछ हद तक ही नहीं बल्कि बहुत हद तक आरएसएस, हिंदुत्व, भाजपा ने संविधान को दागदार करते हुए गैर संविधानिक हरकतों को अंजाम देकर संविधान की फजीलत को ही कम करने की कोशिश की। जिस शिद्दत को भाजपा संघ परिवार के लोग रोज बढ़ा रहे थे, उसका एक असर ये भी देखने को मिल गया कि मुस्लिम समाज बेगुनाह होते हुए भी डर खौफ के साए में जी रहा था। पर कर्नाटक में भाजपा को बेदखल करने के बाद कुछ उम्मीदें जरूर बंधी हुई है। और कल रायचूर में जो मामला पेश आया, उससे इतना जरूर लगने लगा है कि एक बार फिर संविधान जिंदा है, इसकी हकीकत को समझने की जरूरत है। अब आरएसएस, हिंदुत्व तंजीमें भाजपा की हार के बाद बौखलाई हुई है। इन्हें किसी तरह माहौल को आलूदा बनाना है। खैर, रायचूर के लिंगसूर में आरएसएस कारकुन राजू तांबेके को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हासिल इत्तला के मुताबिक राजू तांबेके हिंदुत्व तंजीम का सरगर्म कारकुन है और मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करता रहता है। इस बार भी अपनी आदत के मुताबिक मुस्लिम खवातीनों को लेकर उसने पोस्ट सोशल मीडिया पर शाया की, जिसमें उसने लिखा था कि मुस्लिम खवातीन बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, और साथ में मुस्लिम उलमाओं को भी धमकी देने वाला पोस्ट किया था। अब इस संगी आदत से मजबूर भी होते हैं, उसे हुकूमत बदलने का शायद ख्याल ना रहा हो। इस पोस्ट पर मुसलमानों ने एहतजाज कर पुलिस थाने को ही घेराव किया। शहर में बढ़ता तनाव देखकर आरएसएस के राजू तांबेके को गिरफ्तार किया गया। अब यह संगी हवालात की हवा खा रहा है। जो भी हो, लिंगसूर के मुसलमानों ने अच्छी शुरुआत जरूर की है। सबसे पहले संविधान की ताकत, जैसे हमने पहले भी कहा है कि समझे, उमूमन मुस्लिम माशरा पहले वाली जहनीत के दबाव में आज भी भाजपा हुकूमत का असर देखने को मिलता है। लेकिन अब सिर्फ मुसलमान ही नहीं, भारत का कोई भी शहरी इतना जरूर समझ ले के कहीं पर भी कोई संगी या नफरती गिरोह माहौल को आलूदा करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले इसके खिलाफ एफआईआर की कोशिश करे। जिस तरह मुसलमान आज भी डरे सहमे, उसी तरह आज भी कुछ पुलिस अफसरों के जहनों पर भाजपा हुकूमत का असर देखने को मिलता है। लिहाजा इनके खिलाफ भी कार्रवाई का इकदाम करे। पुलिस थाना नहीं तो कमिश्नर आखिर में अदालत का दरवाजा खटखटाए। मतलब लिंगसूर की तरह किसी भी शहर में इस तरह की वारदात हो सकती है। बेलगाम में भी कुछ नफरती गिरोह हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके पास भी इनके ताल्लुक से कोई भी मालूमात हो, पुलिस अफसरान से राब्ता करें। पहले की तरह बेहिस बनकर जिंदगी गुजारना बंद करें। कर्नाटक के चुनाव के बाद मुसलमान और भी इत्मीनान के मूड में नजर आ रहे हैं। बजाय बेगैरती का मुजाहरा करने के, गैरतमंद बन जाए, एहतजाज मेमोरेंडम देकर फिर से जिंदा होने का सबूत दे। संविधान को मजबूत करना है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर जालिमों पर कार्रवाई का मुतालबा इसी संविधान के दायरे में करे। उमूमन संघी आईटी सेल मुस्लिम समाज को सोशल मीडिया पर निशाना बनाते रहते हैं, महज जो भी मैसेज आया फॉरवर्ड करने के बजाय कार्रवाई की मांग भी तेज करे। इसी तरह से इन समाज विरोधी ताकतों को दबाया या डराया जा सकता है, क्योंकि मुल्क में अमन को कायम करना है तो जो भी मुल्क के भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे रोकना होगा, फिर वो कोई भी किसी भी धर्म का हो। सोशल मीडिया पर नामों को बदलकर मुसलमान खवातीन, मुस्लिम समाज, इस्लाम पर झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है। जरूरत है इन पर कार्रवाई की मांग की जाए। कांग्रेस की हुकूमत में कई वजीर मुसलमानों के हैं। बिला वजह मुकदमे जिन पर दायर किए हैं, इनके मुकदमे भी वापस लेने का मुतालबा किया जाए। खैर, आरएसएस और हिंदुत्व कारकुन राजू तांबेके की गिरफ्तारी एक बेहतरीन इकदाम कह सकते हैं। बेलगाम में भी झूठे नारों की तहकीक का मुतालबा जिन आरएसएस कारकुनों की जानिब से किया जा रहा है, इनकी पहले तहकीक हो, किसी भी इम्कान का इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि खुद ही नारा लगाकर तफ्तीश की मांग कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा पुलिस गहराई से तफ्तीश कर असल मुजरिमों को बेनकाब करे, यही आज का पैगाम। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Thank you.